वेलकम टू कॉन्कर आईएस फंडामेंटल राइट पार्ट टू। तो दोस्तों, जैसा कि हमारी क्लासेस चल रही हैं फंडामेंटल राइट, अभी एक क्लास हो चुकी है, तो फंडामेंटल राइट पार्ट टू वन अगर आपने नहीं देखा है तो आप कॉन्कर आईएस के प्ले लिस्ट में जाकर एमपीपीएससी में आप ये फंडामेंटल राइट देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट, ठीक है, मौलिक अधिकार, संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 का फंडामेंटल राइट दिया गया है, जिसमें 6 अधिकार की बात करता है। पहले मूलतः 7 अधिकार थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर आर्टिकल 300 का क्लॉज ए में रख दिया गया है। तो ये संवैधानिक अधिकार, मतलब कि कानूनी अधिकार है, ठीक है, अब संवैधानिक अधिकार नहीं है। फंडामेंटल राइट को अगर किसी का वायलेशन होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार, तो दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने आपको मतलब कि प्रीवियस ईयर में, तो आज हम दोस्तों मैं आपको जैसे अगर मैं बता दूं तो जो 6 अधिकार हैं उसमें मैं पहले क्षमता का अधिकार, क्षमता का अधिकार प्रीवियस लेक्चर में आर्टिकल 14 टू 18 पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और आज हम पढ़ाने वाले हैं स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 टू 22। तो दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22। तो इसके पहले इसमें मैंने आपको बताया समता का अधिकार हम पढ़ा चुके हैं 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है, फिर फोफंड का विरुद्ध अधिकार, धर्म धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और नेक्स्ट संस्कृत और शिक्षा का अधिकार, फिर आपके पास वही लास्ट संवैधानिक उपचार है। तो आज हम केवल स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में फोफंड के विरुद्ध अधिकार पढ़ लेंगे। तो दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल 19 इसमें ये बोलता है, वाक स्वतंत्रता आदि कुछ अधिकारों का संरक्षण, मतलब बोलने की स्वतंत्रता या आदि कुछ अधिकारों का संरक्षण आर्टिकल 19 का 1 सभी नागरिकों के लिए अधिकार है, का वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन, गा संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने का, घा भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत या अवाध संचरण, अंगा भारत के राज्य क्षेत्र किसी भी भाग में निवास करने व जाने की स्वतंत्रता, चा संपत्ति का अधिकार था। अब यहाँ से इसको हटा दिया गया है, अब इसको कर दिया गया है आर्टिकल 300 का क्लॉज ए 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1978। छा कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, ठीक है। तो आर्टिकल 19 बोलता है वाक की स्वतंत्रता आदि कुछ अधिकारों का संरक्षण, आर्टिकल 19 का 1 सभी नागरिकों का अधिकार होगा कि वह वाक स्वतंत्रता अभिव्यक्ति या स्वतंत्रता, ठीक है, बी शांतिपूर्ण या निरायुद्ध सम्मेलन, मतलब शांतिपूर्वक या बिना युद्ध के आप सम्मेलन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, सी संगम या संघ बनाना या सहकारी सोसाइटी बनाना, तो चाहे वो संघ बना सकते हैं, सोसाइटी बना सकते हैं, संघ बनाने का अधिकार देता है, ठीक है। तो
भारत की राज्य क्षेत्र में सर्वोच्च आबाद संचरण, मतलब भारत के किसी क्षेत्र में आप कहीं भी आ जा सकते हैं, आचरण करने की स्वतंत्रता है। ई भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास या बसने की स्वतंत्रता है, हालांकि पहले अपवाद था जेएन के, अब जेएन के भी हट चुका है, अब जेएन के भी स्वतंत्र है, आप वहाँ भी रह सकते हैं, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तो दोस्तों, तो नेक्स्ट, कोई वृत्ति या उपजीविका व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। ठीक है, तो इस प्रकार जो मैंने आपको अभी बताया कि आर्टिकल 19 में सात प्रकार के अधिकार थे, लेकिन संपत्ति को खरीदने या अधिग्रहण करने या बेच देने का अधिकार 1978 में 44वें संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो आर्टिकल 19 में सात अधिकार थे, लेकिन संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेच देने का अधिकार 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, इन छह अधिकारों की रक्षा केवल राज्य के खिलाफ मामले में ही नहीं, ना कि निजी मामले में, अर्थात ये अधिकार केवल नागरिकों या कंपनी शेयरों धारकों के लिए है, ना कि विदेशी व कानूनी लोग जैसे कंपनियों व फर्दों को। ठीक है, तो छह अधिकार की रक्षा केवल राज्य के खिलाफ मामले में ही है, ना कि किसी निजी मामले में, अर्थात ये अधिकार केवल नागरिकों और कंपनी शेयरों धारकों के लिए हैं, ना कि विदेशी, मतलब विदेशियों के लिए ये अधिकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य इन छह अधिकारों को आर्टिकल 19 में उल्लिखित आधारों पर उचित प्रतिबंध भी लगाता है। ठीक है, तो ये जो अधिकार दिए गए हैं दोस्तों, तो ये जो अधिकार दिए गए हैं, तो सरकार उसमें उचित प्रतिबंध भी लगाता है। ठीक है, तो युक्त युक्त प्रतिबंध लगाता है, मतलब ये ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल इसका पालन करें। तो पहला जैसे है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें पहला, अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार। सेकंड, प्रेस की स्वतंत्रता। थर्ड, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता। फोर्थ, फोन ट्रैपिंग के विरुद्ध अधिकार। तो जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने या अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है, उसमें जो है चाहे आपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, फोन ट्रैपिंग के विरुद्ध का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट, फिफ्थ, प्रसारित करने का अधिकार, अर्थात सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर एक अधिकार नहीं है। सिक्स, किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ का अधिकार। सेवन, सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार। एट, शांति का अधिकार। नाइन, किसी अखबार पर पूर्ण प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार। 10, प्रदर्शन या विरोध का अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं। राज्य वाक एवं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, तो प्रसारित करने का अधिकार, अर्थात सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर एक अधिकार नहीं है। ठीक है, किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार। सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार। शांति का अधिकार। किसी अखबार पर पूर्ण प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार। प्रदर्शन या विरोध का अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं। तो राज्य इस पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, आर्टिकल 19 का क्लॉज 2, तो इसी प्रतिबंध की परिस्थिति का वर्णन किया गया है कि जिन परिस्थितियों को लेकर आर्टिकल 19(1) वाक्य व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में दिए गए स्वतंत्रताओं पर युक्तियुक्त प्रतिबंध आरोपित कर सकता है, जिसके कारण 19 में दिया गया, आर्टिकल 19 में दिया गया
स्वतंत्रता का स्वरूप असीमित ना होकर बल्कि सीमित हो जाता है। आर्टिकल 19 को क्लॉज 2 सी जो बोलता है, प्रतिबंध की परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। जिन परिस्थितियों को लेकर आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 में दिए गए स्वतंत्रताओं पर युक्तियुक्त प्रतिबंध आरोपित कर सकता है, जिसके कारण 19 में दी गई स्वतंत्रता का स्वरूप असीमित ना होकर बल्कि सीमित है। ठीक है दोस्तों, जो मैं आपको नेक्स्ट बोलूं, समूह या संघ बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद भारतीय संसदीय प्रजातंत्र का प्राण है, क्योंकि इस अनुच्छेद के अभाव में संसदीय प्रजातंत्र में गतिशीलता नहीं आएगी। समूह या संघ बनाना, तो भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद भारतीय प्रजातंत्र का प्राण है, क्योंकि यह अनुच्छेद के अभाव में संसदीय प्रजातंत्र गतिशील होगी। ठीक है, तो पार्लियामेंट मतलब संसद, ठीक है, संसद में दोस्तों कौन आता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। तो लोकसभा का चुनाव डायरेक्ट होता है, राज्यसभा का चुनाव इनडायरेक्ट होता है क्योंकि इसको विधायक चुनते हैं राज्य वाइज। राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा सांसद प्लस राज्यसभा के सांसद प्लस हर राज्य के विधानसभा के मेंबर, उनका वोटिंग होता है, हालांकि इससे अब मतलब नहीं है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि सांसद लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति रिप्रेजेंट गवर्नमेंट, ये जो बहुमत की सरकार होती है संसद में, प्रधानमंत्री बहुमत बहुमत उनकी है, तो इसका चुनाव होता है। तो ये चुनाव कौन करता है, पोलिटिकल, जैसे कांग्रेस बीजेपी या जो भी है, तो जो भी ये सत्ता दल होता है इन पार्लियामेंट, सांसद इनडायरेक्ट या डेमो एक, जैसे इनका हो, जैसे ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कौन कर रहा है, ये गवर्नमेंट को, जैसे बीजेपी, अभी फिलहाल ये मोदी जी बीजेपी से हैं, तो ये पॉलिटिकल पार्टी हो गई, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये लोकसभा प्लस राज्यसभा, तो ये पार्लियामेंट सांसद को कर रहे हैं, तो ग्रुप ऑफ मैन। ठीक है, तो मोदी जी क्या है, बहुमत दल के नेता है, तो आर्टिकल 19 का क्लॉज सी, तो ये भारतीय संसदीय प्रजातंत्र का प्राण है, क्योंकि दोस्तों पार्लियामेंट में कौन बैठता है, बहुमत दल का नेता, जो कि लोकसभा से चुन के आते हैं। ठीक है, लोकसभा प्लस राज्यसभा में वो आते हैं जो राज्यों से विधायक चुनते हैं, और राष्ट्रपति का चुनाव तो पता ही है। तो जो संसद है, तो मोदी जी क्या है, समझ में आया, भारतीय संसदीय प्रजातंत्र का प्राण, इसीलिए इसको बोला गया है, क्योंकि तो पार्लियामेंट में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, और जो ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी, तो ये इसमें ग्रुप ऑफ मैन मेन होता है, इसको आर्टिकल 19(1) का सी, क्योंकि संसदीय प्रजातंत्र की गतिशीलता के लिए राजनीतिक दलों का होना अनिवार्य है, और राजनीतिक दल व्यक्तियों की समूह जिसका गठन समान विचारधारा पर आधारित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नोट 19 में, आर्टिकल 19 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के मामले में न्यायपालिका ने प्रकृत न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और यह विचार दिया कि राज्य द्वारा आरोपित प्रतिबंध युक्त तभी होगा जब प्रकृत न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप हो। तो न्यायपालिका, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के मामले में न्यायपालिका ने प्रकृत न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगर आपसे ये पूछा जाए, प्रकृत न्याय का प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में किया गया, ये विचार दिया गया कि राज द्वारा आरोपित प्रतिबंध युक्त तभी होगा जब प्रकृत न्याय के सिद्धांत के अनुरूप हो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध का संरक्षण। ठीक है, आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। तो पहला आर्टिकल 21 का क्लॉज 1,
कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने से के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया जाता या उससे अधिक शक्ति का शासित तो भाग नहीं होगा जो अपराध के लिए किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित किया जाती थी। ठीक है, तो आर्टिकल 20 का क्लॉज 1, कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसे ऐसे कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शक्ति का भाग नहीं होगा जो उस अपराध के लिए उससे प्रवृत्ति विधि के अधीन अधिरोपित किया गया है। मान लीजिए जैसा कोई मान लीजिए कि कोई एक्स व्यक्ति है, उसको बोल दिया कि इसने मर्डर किया है और उसके नाम FIR रिपोर्ट हो गई, तो उसको तब तक नहीं माना जाएगा आरोपी जब तक उससे का निर्णय ना आ जाए, मतलब मामला न्यायालय में जाएगा तब तक अगर वो बरी हो जाएगा तो वो आरोपी नहीं था, अगर सजा हुआ तो आरोपी था। ठीक है, नेक्स्ट 20 का 2, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक वर्ष अधिक अभियोजित या दंड नहीं दिया जा सकता। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक्स है और उस पर एक केस के लिए, मान लीजिए फर्स्ट केस है, उसको 2 बार मतलब आप किसी के एक बार में 2 वर्ष के लिए सजा मिल गई और उसी अपराध के लिए 4 वर्ष की सजा मिल गई, एक अपराध के लिए चाहे एक ही बार सजा मिल जाएगी, बार बार सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है, अब इसी का आर्टिकल 20 का क्लॉज सब 3, किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मान लीजिए एक्स ने कोई केस किया, मान लीजिए मर्डर किया, तो वो अपने विरुद्ध साक्ष देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो किसी भी अपराध के लिए आर्टिकल 20 का क्लॉज 3, किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, नेक्स्ट आर्टिकल 21, प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का संरक्षण, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैविक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं। ठीक है, तो आर्टिकल 21, प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का संरक्षण, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैविक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट इसमें 44वें संशोधन अधिनियम के द्वारा आर्टिकल 21 और आर्टिकल 359 की परिधि से बाहर निकाल दिया गया और अब आपातकाल में जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 44वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 21 और आर्टिकल 359 को परिधि से बाहर नहीं, मतलब कि इसको बाहर कर दिया गया है। आपात के समय जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, गोविंद बनाम बनाम एमपी मतलब मध्य प्रदेश में अविनिर्धारित किया गया कि आर्टिकल 21 के अधीन एकांतता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी भी शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट मेनका गांधी बनाम भारत संघ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मामले में उच्चतम न्यायालय ने गोपालन केस के नामंजूर कर दिया और कहा कि न्यायालय को न्यायिक अर्थवन की प्रक्रिया के द्वारा मूल अधिकारों के अर्थ व संदर्भ को छेद करने की बजाय उस उनके प्रभाव क्षेत्र या परिक्षेत्र का विस्तार करने का प्रयास करना चाहिए और उसके निर्णय दिया गया है। जीवित रहने का अधिकार केवल शारीरिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीवित रहने का अधिकार उसके परिक्षेत्र में आता है। ठीक है, तो मेनका गांधी बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने बोला
कि जीवित रहने का अधिकार केवल शरीर के अस्तित्व को सीमित नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार उसके परिक्षेत्र में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 21 में ये पटवारियों के केस में उच्चतम न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि आर्टिकल 21 में जीवन शब्द को आजीविका का अधिकार भी सम्मिलित है। उसमें कहा गया कि आजीविका के आधार को संविधान में दिए गए जीवन का अधिकार का हिस्सा नहीं माना जाता था, तो किसी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से वंचित करने का सबसे आसान तरीका यह है कि उसे उसकी आजीविका के साधन से वंचित कर दिया जाए। ठीक है, तो पटवारी केस में आजीविका का अधिकार राइट टू लाइफ, ठीक है, दिया गया। आर्टिकल 21 का क्लॉज ये शिक्षा का अधिकार, राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विविध द्वारा अवधारित करे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। ठीक है, तो आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यह 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के तहत किया गया। ठीक है, आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, और संसद ने बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा RTI अधिनियम 2009 के तहत 2010 में लागू किया। ठीक है, तो आर्टिकल 21, आर्टिकल 45, आर्टिकल 51, 86वें संविधान 2002 के माध्यम से तीन परिवर्तन किए गए। आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 45 0 से 14 ईयर और यहाँ 6 6 टू 14 ईयर। ठीक है, बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध आर्टिकल 45 और राइट टू एजुकेशन 16 टू 14, आर्टिकल 51 का 10+1 फंडामेंटल राइट मूल कर्तव्य, ये ठीक है, तो ये मूल कर्तव्य है जो कि भाग 4 का सब ए में जोड़ा गया है। आर्टिकल 51 ये DPSP है, DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कर्तव्य है। तो आर्टिकल 21 का सब क्लॉज ए राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए, आर्टिकल 45 0 से 6 बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, आर्टिकल 51 फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, इसी में आर्टिकल 21 का क्लॉज ए सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट अधिकार नई दिल्ली के मामले में अभी निर्धारित किया गया कि आर्टिकल 21 में विदेश भ्रमण करने का एक मूल अधिकार है। ठीक है, तो विदेश घूमने का अधिकार एक मूल अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में अभी निर्धारित किया गया कि प्रदूषण मुक्त जल और वायु का उपयोग करने का अधिकार प्राण का अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो प्राण का अधिकार क्या है दोस्तों, फंडामेंटल राइट है, जल एवं वायु का उपयोग करना। ठीक है, चमेली सिंह बनाम यूपी राज्य के मामले में अब निर्धारित किया गया कि आश्रय पाने का अधिकार 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है, जो राज्य का कर्तव्य है कि वह दलितों और आदिवासियों के लिए वास सुविधा उपलब्ध कराएं। मतलब आश्रय पाने का अधिकार अधिकार फंडामेंटल राइट है। ठीक है, फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के विनिश्चय में उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत कर्मकारों और सेवा के दौरान सेवानिवृत्त होने के बाद स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सहायता करना एक मूल अधिकार है। तो दोस्तों स्वास्थ्य एंड चिकित्सा भी क्या है, फंडामेंटल राइट है। ठीक है,
लास्ट पढ़ते हैं आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेक्शन इन सर्टेन केस, मनमानी गिरफ्तारी व निवारक निरोध के संरक्षण। संविधान का यह अनुच्छेद व्यक्ति को उस राज्य के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है कि आर्टिकल 20 का क्लॉज 22 का क्लॉज 1 में निम्न प्रकार से हैं। तो आर्टिकल 22, मनमानी गिरफ्तारी व निवारक निरोध के संरक्षण में संविधान का यह अनुच्छेद व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करना, यह आरक्षण संरक्षण आर्टिकल 22(1) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराना, व्यक्तियों की अपनी इच्छा अनुसार किसी भी विधि या व्यवसाय से परामर्श लेना, 24 घंटे के गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराना, व्यक्ति की अपनी इच्छा अनुसार किसी भी विधि व्यवसाय से परामर्श ले सकता है, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करवाना। तो आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 बोलता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराना, व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी विधि या व्यवसाय से परामर्श ले सकता है। नेक्स्ट 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करवाना, ठीक है। आर्टिकल 22 का 2, निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को वह संरक्षण प्राप्त नहीं होगा जो संरक्षण सामान्य गिरफ्तारी आर्टिकल 21 के तहत व्यक्ति को प्राप्त है। आर्टिकल 22 का क्लॉज 2 बोलता है निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को वह संरक्षण प्राप्त नहीं होगा जो संरक्षण सामान्य गिरफ्तारी आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 के अंतर्गत दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों निवारक निरोध, तो निवारक निरोध का तात्पर्य किसी कार्य को संपादित होने से रोकना, क्योंकि क्योंकि कार्य का संपादित होना अपराध की श्रेणी में आ जाता है। निवारक निरोध से संबंधित व्यक्ति को बिना किसी संरक्षण के जो आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 के अंतर्गत व्यक्ति को प्राप्त है 3 माह तक गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस अवधि को घटाकर 2 महीने कर दिया गया है। यदि गिरफ्तार की अवधि को बढ़ाना हो तो एक परामर्शदायी बोर्ड का गठन होगा जिसकी सिफारिश पर गिरफ्तारी की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। और निवारक निरोध से संबंधित कानून बनाने की शक्ति संविधान संसद व राज्य विधानमंडल को प्रदान करता है, ठीक है। तो निवारक निरोध का तात्पर्य दोस्तों किसी कार्य को संपादित होने से रोकना है, क्योंकि कार्य का संपादन होना अपराध की श्रेणी में आ जाता है। निवारक निरोध से संबंधित व्यक्ति को बिना किसी संरक्षण के आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 के अंतर्गत व्यक्ति को प्राप्त है तो 3 माह की तक गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको अवधि घटाकर 2 माह कर दिया गया है। गिरफ्तारी की अवधि को बढ़ाना हो तो एक परामर्शदायी बोर्ड का गठन करना होगा जिसकी सिफारिश पर गिरफ्तारी की अवधि बढ़ाया जा सकता है। तो निवारक निरोध से संबंधित कानून बनाने की शक्ति संविधान संसद या राज्य विधानमंडल को प्रदान करती है, ठीक है। तो दोस्तों तो इस प्रकार संसद को इस शक्ति का प्रयोग करके राष्ट्रीय महत्व को लिए निवारक निरोध से संबंधित कानून का निर्माण कर सकती है। तो संसद आर्टिकल 22 की मदद से क्या कर सकती है, राष्ट्रीय महत्व के लोकल नियमों का निवारक निरोध से संबंधित कानूनों का निर्माण कर सकती है, जैसे पोटा, POT पोटा, NIA जैसे राज्य विधानमंडल कानून की व्यवस्था को लेकर कानून निर्माण कर सकती है, जैसे धारा 144 एंड कर्फ्यू। तो जैसे संसद क्या करती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए कोटा और NIA और राज्य विधानमंडल के कौन राज्य विधानमंडल ये धारा 144 एंड कर्फ्यू के लिए कानून बना सकती, ठीक है। लेकिन कुछ वो पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल, निवारक निरोध अधिनियम 1950 हालांकि 1969 में समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट आंतरिक सुरक्षा अधिनियम MISA 1971 में समाप्त कर दिया गया। थर्ड विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं व्यवसाय निवारण अधिनियम COPPA 1974। फोर्थ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NASA 1980।
फिफ्थ आतंकवादी निवारण अधिनियम कोटा 2002 2004 में समाप्त कर दिया गया। छठवां गैर कानूनी गतिविधियों को रोकथाम अधिनियम उपा 1977 में, जो 2004 8 12 19 में संशोधन हुआ। ठीक है, तो आर्टिकल 22 को लेके केंद्र और राज्य कानून बना सकते हैं। तो जैसे इसमें सबसे वेरी इंपॉर्टेंट गैर कानूनी गतिविधियों को रोकथाम अधिनियम 1967 में बनाया गया है, उसमें 2004 8 1912 2012 और 2019 में संशोधन हुआ है। जैसे आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 इसको 2004 में समाप्त कर दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम नासा इसको 1980 बनाया गया। विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं व्यवसाय निवारण अधिनियम 1974। ठीक है, और जैसे राज्य विधानमंडल धारा 144 और कर्फ्यू के लिए नियम बना सकती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज ये पढ़ लिया। आप बता दें, समराइज करवा दें कौन कौन सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आप बस इतना ही कर लीजिए, बहुत हो जाएगा आपके लिए। आपके एग्जाम से जैसे आप ये कर लीजिए, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। आर्टिकल 19 वाक एवं स्वतंत्रता आदि का अधिकार, तो ये आप एक बार देख लीजिए। और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। तो मैंने बता ही दिया, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोषविध का संरक्षण। ठीक है, फिर आर्टिकल 21 प्राणी एवं दैविक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, आर्टिकल 21 शिक्षा का अधिकार आप मोटा मोटा भी याद कर लेंगे। आर्टिकल 22 प्रोटेस्ट अगेंस्ट अरेस्ट डिटेक्शन इन सर्टेन केस, मनमानी गिरफ्तारी व निवारक का संरक्षण। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द बेल आइकन बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।